और इसकी यादें तो बहुत पुरानी हैं, बचपन में बहुत इसमें जाया करते थे। 30+ फ्लोर हैं और ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। आ गया हमारा मेट्रो और हमें यहाँ से जाना है बेंगलुरु की धरती से। जय जवाहर दोस्तों, और अभी मैं आर टी नगर में हूँ और आप लोग मेरे पीछे का व्यू देखिए, काफ़ी प्यारा मौसम है और लोकेशन भी बहुत अच्छा है, पेड़ वगैरह बहुत ही अच्छे, शानदार लोकेशन है। तो अब मैं जाने वाला हूँ बेंगलोर के दूसरे सबसे बड़े मॉल में, इसका नाम ओरियन मॉल है, और अब चलिए चलते हैं ओरियन मॉल। अभी मैं ओरियन मॉल के सामने हूँ और आपको इसके सामने से इसका व्यू दिखाता हूँ। अब मैं आ गया हूँ अंदर मॉल के और यहाँ मैं 5 साल के बाद आ रहा हूँ। काफ़ी बड़े बड़े यहाँ पे शॉप वगैरह हैं कंपनी के, और मुझे जाना है डेकैथलॉन में, तो देखता हूँ कहाँ पे डेकैथलॉन। तो यहाँ पे बच्चों के लिए कुछ फ़न फेस्टिवल जैसे कुछ रखा गया है खेलने वगैरह के लिए, तो आप पीछे देखिए, और आपको मैं सामने से भी दिखा रहा हूँ क्या क्या बच्चों के लिए खेलने के लिए, हम लोग के लिए भी है, बड़े के लिए भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें खेलने के लिए, तो दिखाता हूँ आपको पहले। और इसकी यादें तो बहुत पुरानी हैं, बचपन में बहुत इसमें जाया करते थे, मीना बाज़ार वगैरह में बहुत याद आता, और पुराने यादें बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे कार्टून वगैरह के भी फोटो रखे हुए हैं यहाँ पे देखिए, और जो सोनिक में आता है, और सामने गेट सेट फन, सामने में भी देखिए डोरा एक्सप्लोरर, बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है, बच्चे काफ़ी एंजॉय भी करेंगे यहाँ पे, पूरे कार्टून्स के यहाँ पे लगे हुए हैं फोटो, ये देखिए। मज़ा आ जाएगा, गेट सेट फन, फन तो होने वाला है यहाँ। ट्रेन, मिनी ट्रेन बच्चों के लिए, बच्चे जा भी रहे हैं। और ये रहा सामने लेक, बोट भी है, थोड़ा बोटिंग करके भी आ सकते हैं, और बीच में देखिए पेड़ टापू टाइप का बना हुआ है, और इधर अपार्टमेंट, काफ़ी महंगे अपार्टमेंट होंगे, 30+ फ्लोर हैं, और ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर तो 80-90 फ्लोर लग रहा है होगा। बोट के तो कोई यहाँ पे है नहीं, तो बोटिंग मैं भी करता घूम के आते, नया एक्सपीरियंस होता है यहाँ पे बोटिंग करने का भी। हार्ड कॉपी अच्छा लिखा है, और रात का भी यहाँ बहुत ही अच्छा होने वाला है, फाउंटेन वगैरह है यहाँ पे,
और शो वगैरह भी कभी कभी होता है यहाँ पे। आज तो है नहीं, लेकिन कभी कभी होता है। अब जिस दिन आया उस दिन नहीं है, लक नहीं है, अपना लक ही नहीं है तो क्या ही बोले। तो डेकैथलॉन तो यहाँ है नहीं, और हमने पूरा मॉल खोज लिया लेकिन वो डेकैथलॉन मिल ही नहीं रहा है। और थोड़ा भूख भी लग रहा है, ढूंढ ढूंढ के थोड़ा भूख भी लगने लगा है। और काफ़ी सारे वैराइटीज़ हैं यहाँ पे खाने के लिए, डोमिनोज है, स्टारबक्स है, KFC है, पिज़्ज़ा हट है, सबवे है। तो अब चलते हैं खाने के लिए। तो अब मैं जा रहा हूँ बर्गर किंग, और काफ़ी सारे वैराइटी हैं यहाँ पे, फूड कोर्ट भी बहुत सारे इधर देखे पूरा। मैं प्रीफर कर रहा हूँ बर्गर किंग, तो चलते हैं बर्गर किंग। तो हम लोग ने ऑर्डर किया हुआ था कॉम्बो में हमें मिला है 4 बर्गर और चीज़ फ्राइज और कोक भी मिला 2 और ये डेजर्ट। और उसके साथ देखिए सामने का व्यू, बहुत ही अच्छा व्यू है। तो अब मील शुरू करते हैं अपना। हम लोगों ने अब स्नैक्स कर लिया है और जा रहे हैं वेस्ट साइड में, देखते हैं कुछ पसंद आया तो शॉपिंग वगैरह भी कर लेंगे। काफ़ी बड़ी ब्रांड है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता और मैं भी नहीं कर रहा हूँ, और मैं अंदर जाने वाला नहीं हूँ। मॉल अब हम लोग ने घूम लिया और यहाँ से जाने वाले हम लोग MG रोड। चलिए अब चलते हैं MG रोड। और मैं आ चुका हूँ अभी मेट्रो स्टेशन और हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं MG रोड। ये आ गया हमारा मेट्रो और हमें यहाँ से जाना है मैजेस्टिक। मैं आ गया हूँ डेकैथलॉन और यहाँ पे आपको सारे स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट मिल जाएंगे और शॉर्ट्स वगैरह, टी शर्ट और लोअर वगैरह भी आपको मिलेंगे। काफ़ी अच्छे प्राइस में मिलने वाले हैं, क्वालिटी भी बहुत अच्छा रहता है यहाँ का। तो ज़रूर एक बार आइएगा डेकैथलॉन में, आप भी विज़िट कीजिएगा, लीजिएगा सामान। टॉवल लेना था लेकिन ये फेस टॉवल, इसका बड़ा वाला टॉवल नहीं है यहाँ पे। ये टॉवल है लेकिन वो वाली ज़्यादा अच्छा है इससे, मैं तो वही लेने आया था लेकिन यहाँ है नहीं स्टॉक पे। मैंने ये लोअर लिया है और 999 का, काफ़ी अच्छा लोअर है, क्वालिटी बहुत अच्छा है। तो अब मैंने बिल वगैरह सब कुछ करा लिया है, बिल, और यहाँ से हम जाने वाले हैं घर। तो वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं और नए व्लॉग के साथ।